हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आई बीपीएस की तरफ से बड़ा अपडेट आया है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ आया है। देखिए, सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट आया है आरआरबी के लिए। यहाँ पे जो भी आरआरबी पीओ क्लेरिकल था, यानी ऑफिसर स्केल फर्स्ट और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का एग्जामिनेशन था। देखिए, पूरा पूरा रीड कर लेते हैं क्या कुछ चीज़ें बोली गई यहाँ पे। इन्होंने बोला कि जो एडवर्टाइजमेंट आया था हमारा 1/7/2020 को, उसके अंदर इन्होंने कुछ प्रोसेस किया है। तो जो लोग जो है ना 9/11/2020 यानी 9 नवंबर 2020 तक जिन लोगों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है या कोई अगर क्वालिफिकेशन, तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हु कैन नॉट रजिस्टर सक्सेसफुली फ्रॉम 1/7/2020 से 21/7/2020 तक जिन लोगों ने रजिस्टर्स नहीं किया सक्सेसफुली, वो लोग भी दोबारा इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यार, जो लोग एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे उन लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है, और दो लोग एग्जामिनेशन दे चुके हैं ऑलरेडी, यार वो बार बार फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस चीज़ से। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ऑनलाइन जो लिंक रहेगा वो 26/10 से 9 नवंबर 2020 तक उनका लिंक एक्टिवेट रहेगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो और आरआरबीपीओ क्लेरिकल के लिए, तो आप लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ है, आप लोग दोबारा से फॉर्म भर दीजिए। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा फिर आपका वो होगा 31/12/2020 को, यानी 31 दिसंबर को आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा, और ऑफिस असिस्टेंट का आपका एग्जामिनेशन होगा 2 जनवरी और 4 जनवरी के लिए आपका एग्जामिनेशन जो रखा गया है। कोलेटर डाउनलोड विल बी मेड अवेलेबल अबाउट 10 डेज बिफोर द एग्जाम डेट। 10 दिन पहले आपको कोलेटर मिल जाएंगे, परेशान होने की दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोग अपना देख सकते हो यार, जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं फिल करना चाहते वो आप पे डिपेंड है, पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है। तो ये इन्होंने 9 तारीख तक अगर आप लोगों का कोई भी चीज़ें होती है तो वो चीज़ भी आ जाएगी। और आगे देखिए यार, रिवाइज वैकेंसीज एज रिसीव्ड अप टू 21/10/2020 हैव बीन अपडेटेड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑन आईबीपीएस अथॉरिटी वेबसाइट। तो डिटेल के अंदर बताया गया है कि जो वैकेंसी के अंदर अपडेट आया है, चाहे आपकी वैकेंसी बढ़ी है या कम हुई है, 21 तारीख तक वो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये वाला है, इसमें आप लोग अपने अपने स्टेट की वैकेंसी देख लेना यार, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी कम हुई है, कितनी ज़्यादा हुई है, मेंशन कीजिए यार कमेंट के अंदर, क्योंकि मुझे अब हर एक स्टेट में देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। पर जिन लोगों ने जिन जिन स्टेट से फॉर्म फिल किया वो उन लोगों को पता कि पहले कितनी वैकेंसीज थी और अब कितनी वैकेंसी। आप लोग जरूर यार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इतनी वैकेंसी स्टेट में इंक्रीज हुई है, इसमें कम हुई है, तो उस पर अपने बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प होगी यार। आप लोग इतना काम जरूर कीजिए कि ये वैकेंसीज जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आरआरबी पीयू और क्लेरिकल के दोनों की वैकेंसीज है, दोनों के लिए फॉर्म फिल दोबारा से रजिस्ट्रेशन हो चुका है लिंक। तो अब आप लोग मान के चलिए, और जो आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन है आपका कहीं ना कहीं फरवरी के अंदर होने के चांसेस है, फरवरी 2021 तक एग्जामिनेशन आप लोगों का जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो कि यार कितना लेट एग्जामिनेशन होगा, तो अपना फोकस जो है एसबी क्लेरिकल की तरफ कर लीजिए, क्योंकि यही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। इसके बाद आप लोगों के लिए आईबीपीएस क्लेरिकल की अपॉर्चुनिटीज है। तो ये एक अपडेट था आप लोगों को देना था, श्योर आप लोगों तक पहुंच गया। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।